हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर थ्री प्रैक्टिस शीट फोर्थ का सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूं। हमें यहां पे वैल्यूज गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 126.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सिमिलरली हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है KCl की भी, जो है 149.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसी के साथ साथ हमें आयोनिक कंडक्टेंस भी गिवन है लिमिटिंग सोडियम के लिए, और ये वैल्यू हमें गिवन है 50.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हमने ये डाटा यूज करना है और इस डाटा को यूज करके हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है पोटेशियम आयन की। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पे गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, जो होता है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 126.5, सोडियम आयन की वैल्यू हमें गिवन है 50.1, क्लोराइड आयन की वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं एडिटिव रहने देता हूँ। जो हमारे पास वैल्यू है 126.5, यहाँ से 50.1 आके माइनस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे आएगा 0.476, 76.4 हमारे पास हमारे क्लोराइड आयन की वैल्यू जो है वो आ गई है। अब देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, तो पोटेशियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे गिवन है 149.9, जो आएगी सम ऑफ पोटेशियम आयन और सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 149.9, जो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू है अपने पास फाइंड आउट करने के लिए एज इट इज, और क्लोराइड की वैल्यू हमें गिवन है 76.4। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, 149.9 माइनस 76.4, तो हमारे पास हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी पोटेशियम आयन की, जो आएगी 0.537। तो 73.5 हमारा आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।